चलिए तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज हम लोग अपना पहला क्लास करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मतलब इसके अंदर में दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है एमएम और एक सब्जेक्ट क्या बाबू एचआरएम। हम लोग एक चैप्टर एमएम पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर एचआरएम पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर एमएम पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर एचआरएम पढ़ेंगे। आज हम लोग का पहला क्लास है, तो आज हम लोग का पहला टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला चैप्टर। ये सब्जेक्ट का नेचर क्या है, तो सब्जेक्ट आपका नॉन एमसीक्यू है। कैसा नेचर है बाबू? नॉन एमसीक्यू। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के गाइडलाइंस के हिसाब से ये सब्जेक्ट आपका क्या बाबू? नॉन एमसीक्यू। मतलब आपको सुनना है, समझना है और लिख करके एग्जाम में आना है। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। सबसे पहले भाइयों और बहनों, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मार्केटिंग का मतलब क्या है, ये आपको जानना होगा। देखिए इसमें दो मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर में दो वर्ड है, एक है मार्केटिंग और एक क्या बाबू? मैनेजमेंट। तो एक है मार्केटिंग और दूसरा क्या बाबू? मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब क्या? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। सारे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, किस चीज का? हर उस एक्टिविटीज का जो रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? मार्केटिंग से। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज को जब हम लोग मैनेज करना सीखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर ये मार्केटिंग क्या होता है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। आपको क्या समझना है, आपको क्या पढ़ना है? मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ना है, क्योंकि मैनेजमेंट तो आपको पहले से पता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में दो वर्ड है, एक क्या बताइए? सुनाइए जरा जोर से बोलो। दूसरा क्या बोलो? पहला, दूसरा। पहला, दूसरा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करना। किस चीज का मैनेजमेंट करना? ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। बट द बिग क्वेश्चन इज कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग किसे कहते हैं, मार्केटिंग का क्या मतलब है। भाइयों और बहनों, कॉमर्स के दुनिया में, मार्केटिंग के दुनिया में, बिजनेस के दुनिया में दो वर्ड होता है, एक होता है मार्केटिंग और एक होता है सेलिंग। पहले जमाने के जो बिजनेसमैन लोग होते थे वो लोग सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले होते थे, और आज के जमाने के जो बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाले हैं। अब ये सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है? सेलिंग कॉन्सेप्ट वाला लोग बोलता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट बाय हुक और क्रूक। इसका मतलब होता है कि हमको अपना सामान बेचना है, जैसे तैसे बेचना है, डज नॉट मैटर। हमको मतलब नहीं है कस्टमर क्या सोच रहा है, कस्टमर का क्या फीलिंग है, कस्टमर का क्या इमोशन है, कस्टमर भाड़ में जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। सेलिंग कॉन्सेप्ट वाला होगा, दिमाग में एक ही चीज चलता है, आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट बाई हुक और क्रूक। अब मार्केटिंग वाले लोग ऐसे नहीं होते, मार्केटिंग वाले लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो भाइयों और बहनों, सेलिंग और मार्केटिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपके टॉपिक है, सिलेबस में पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। अभी पहले मीनिंग समझिए। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सेलर वॉन्ट्स टू सेल द प्रोडक्ट, ही फॉर हिम डज नॉट मैटर कि कस्टमर क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए नहीं चाहिए मैटर नहीं करता, उसको बस अपना सामान बेच के निकल जाना। और मार्केटिंग वाले लोग ऐसे नहीं होते, मार्केटिंग वालों के दिमाग में चलता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो वॉट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग मीन्स टू Go in the market, understand the need of the customer, market में जाइए, customer के need को समझिए, customer के जरूरत को समझिए, और customer को क्या चाहिए उसके हिसाब से सामान बेचिए। That is called marketing. Marketing का मतलब customer के पास जाएंगे, customer के सामने बैठेंगे, आप customer की निगाहों में, customer आपकी निगाहों में, आप customer को देखिएगा, customer आपको देखेगा, और आप कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर से एक बॉन्ड बनाएंगे, कस्टमर को समझेंगे, और फिर कस्टमर को क्या चाहिए वो बेचेंगे, एंड दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज। माय डियर स्टूडेंट, ये नॉन एमसीक्यू पेपर है। देखिए सेम वन में तो आधा सेमेस्टर यही समझने में चला गया कि पेपर एमसीक्यू होगा कि नॉन एमसीक्यू, बट अब तो ये कोई डाउट वाला चीज ही नहीं है। देखिए जब आप नॉन एमसीक्यू पेपर का एग्जाम देते हो ना, तो आपके पास कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट मतलब जितना आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा उतना आप लिख पाओगे, आप दो चार लाइन रीड मार के नहीं लिख सकते, तो आपको सुनना जरूरी है। जितना आप सुनिएगा, जितना आप समझिएगा, कुछ चीज आपको बुक से मिल जाएगा, कुछ चीज आपको बोला हुआ याद रहेगा, कुछ चीज आप बना करके लिख पाओगे, तब नॉन एमसीक्यू का एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आप सेम वन में एग्जाम दिए कि आपको कोई आंसर याद भी है, बट दो चार पांच लाइन लिखने के बाद आप भूल जा रहे हो कि भाई आगे क्या लिखे, क्योंकि आप याद करके गए हो ना। इसीलिए
समझ के जाओगे तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसी बात पे जल्दी से बताइए, मार्केटिंग मतलब क्या, सामान को बेचना या कस्टमर को सेटिस्फाई करना? तो व्हाट इज द मेन थीम पंच लाइन ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के लिए एक ही चीज जरूरी है, क्या बोलो? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर अगर खुश नहीं होगा तो हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। इफ कस्टमर इज नॉट हैप्पी आई एम नॉट गोइंग टू सेल माय प्रोडक्ट। कस्टमर अगर खुश नहीं है हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, ये सोच को, ये आइडियोलॉजी को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। सेलिंग वाले लोगों का दिमाग में क्या है, सामान को बेचना है, कैसे, जैसे तैसे, जो तो एडवर्टाइजमेंट दिखा करके, अनसेंट एडवर्टाइजमेंट दिखा करके, जैसे तैसे प्रोडक्ट को बेच देना। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि कस्टमर क्या सोच रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या पसंद है, इसके लिए मैटर नहीं करता है। तो सेलिंग वाला में सेलिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से दे जस्ट वॉन्ट टू सेल द प्रोडक्ट बाय हुक और क्रूक। हुक और क्रूक एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है एनी हाउ। जैसे बोलता है ना, तुम्हारे मोहब्बत में हम किसी हद तक गुजर जाएंगे। तो सेलिंग वाला लोग मोहब्बत नहीं करता आपसे, बस आपका पैसा लेना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, बात समझिए ना। वो लोग का दिमाग में एक ही चीज चलता है कि हमको अपना प्रोडक्ट बेचना है जैसे तैसे। देखिए आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग है, देखिए यहां पर आएगा, हमने निकाल के रखा आप लोग के लिए। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी टीवी जब आप खोलोगे ना तो सबसे ज्यादा आपको ये एड दिखता है। देखिए साउंड टर्न कर दे, नॉट हो जाता है। देखिए यहाँ में कितने सारे स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, खाना घर तक डिलीवर करने के लिए आया था, कपड़े खरीदने के लिए आया था, राशन ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है भाई। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो एक ऐसा ऐप भी बना देते हैं जो आपके मन में चल रहे सवाल से छुटकारा दिला सकते हैं। शादी कब होगा आपका, उससे होगी या फिर कोई और बात, जिंदगी का करियर दोनों कैसे रहेगा यार? अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो लाइफ में सुकून था समझे, और अब सुकून के लिए भी एक ऐप है एस्ट्रोलॉजर से अपनी सारी टेंशन चेक कर सकते, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं भाई एस्ट्रोलॉजर्स को। फाइव टॉप राउंड ऑफ इंटरव्यूज के बाद ही आए, तभी तो इनकी प्रेडिक्शन इतनी सही है। तो डाउनलोड कर एस्ट्रोटॉक ऐप। अब देखिए इन लोगों का पर्पस आपको पता है, देखिए सिर्फ फ्यूचर से रिलेटेड, देखिए सिर्फ फ्यूचर से रिलेटेड फैक्ट्स दिखाने के लिए ये जो एस्ट्रोटॉक ऐप है इसका 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसमें कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताइए, 160। कंपनी का कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताइए, 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर 160 करोड़ रुपया कंपनी इन्वेस्ट करके रखा है सिर्फ लोगों का भविष्य बताने के लिए। कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताइए, 160 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है टोटल। आप सोच के देखिए 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आप देखोगे सबसे ज्यादा, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, चाहे आप फेसबुक चलाते हो, चाहे आप यूट्यूब चलाओगे, कोई भी चीज चलाते हो, सबसे ज्यादा ऐप अगर अभी किसी का एडवर्टाइजमेंट आता है तो किसका आता है, एस्ट्रोटॉक। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट किसी कंपनी का आता है तो किसका आता है, वो एस्ट्रोटॉक का। क्योंकि कंपनी को क्या पर्पज है, कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को बस अपना ऐप डाउनलोड करिए, आप चैट करिए, आप हमको पैसा दीजिए, इसमें आपको बात करने के लिए पैसा लेता है कंपनी। कंपनी का पर्पस क्या है आप बताइए। अगर ये लड़का जो अभी बता रहा था अर्जुन कपूर, ये जो ऐड कर रहा था कि आप अपना शादी कब होगा, किससे शादी होगा, ब्रेकअप क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या रीजन है, सब जानना है, तो ये खुद नहीं पूछ लेगा कि इसका फिल्म फ्लॉप क्यों हो जाता है, इसका तो एक भी फिल्म हिट नहीं होता, क्यों नहीं होता बताइए, तो इसको खुद पूछ लेगा ना। सीन देखिए, आप देखो कि ऐसा ऐसा आदमी ऐड कर रहा फ्लॉप, वो आदमी अपना कैरियर तो जान सकता था ना, लेकिन आपको बता रहा, क्योंकि आदमी बेवकूफ नहीं है। आप लोग कस्टमर जो लोग बैठे हुए मार्केट में बेवकूफ नहीं है। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हर आदमी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये जब आप सही गलत का फासला समझ जाते हो, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर कस्टमर को पता है। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग को बस सामान को बेचना है जैसे तैसे। मतलब इन लोग का दिमाग में एक ही चीज चलता है, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच के निकालो, हमको मतलब नहीं कस्टमर को सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, इन लोग को बस जो तो सामान बेचना है। अभी सबसे ज्यादा टीवी में क्या देखते हो आप, देखोगे बिमल का ऐड आता है, किसका ऐड आता है वो बताइए, बिमल का ऐड आता है। बिमल का ऐड क्या आता है, बोलो जुबा केसरी दाने दाने में केसर का स्वाद। कंपनी क्या सोचता है बताइए, कंपनी को बस कस्टमर को बेवकूफ बनाना है। कस्टमर को क्या बनाना है, वो बेवकूफ कस्टमर को बेवकूफ बनाना है, कस्टमर को जैसे तैसे जो तो प्रोडक्ट हमको बेच देना है, बात समझे ना। कस्टमर सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, कस्टमर का प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सब इन लोग के लिए मैटर नहीं करता है। इन लोग के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, वो क्या है बाबू बताइए, वो है पैसा। क्या है बताइए, देखिए अब आपका लिए अगला एड हम लेके आ गए यहां पे, देखिए ये एड तो बाप रे बहुत जबरदस्त एड है। ये नहीं
घोड़े भेज दिए क्या? ठीक है, ऐसे नहीं मारेगा। ये पुड़िया खाएगा पर दुनिया आएगा। देखिए ये सब क्या, ये सब बेवकूफ बनाने का ही टेक्निक है माय डियर स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं। क्योंकि आप खुद देखो ना कि क्या किया, कुछ नहीं किया। ऐसे इतना चिल्लाया, पत्थर फेंका, वो आदमी नहीं आया। पुड़िया खाया, पुड़िया रन से आदमी आ गया। सोचिए इसका मतलब। ये देखिए अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन जैसा बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज हम लोग को क्या सिखा रहा कि तुम भी पुड़िया खाओ। मतलब समझ रहे ना, पुड़िया खाओ। आप पुड़िया खा करके घर में जाइएगा तो मम्मी तो घर से भगा देगी। पुड़िया खाने वाला आदमी लोग क्या होता है, इतना गंदा होता है। सबसे आई हेट दैट काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि पुड़िया खाने वाले आदमी लोग को रंग का जरूरत नहीं है। जैसे वॉल अभी कोचिंग का पेंट नहीं हुआ बाहर में, वो लोग आएगा मार पिच पिच करके पूरा लाल लाल कर देगा। तो ये क्या है, ऐसे ऐसे लोग माय डियर स्टूडेंट कंपनी को क्या है। देखिए हम आपको बताना क्या चाहते हैं, माय मैसेज इज व्हाट। तो मेरा मैसेज यही है माय डियर स्टूडेंट कि कंपनी क्या कर रहा है बताइए। ये विमल का ऐड, ये आपको मैंने ऐसे ऐसे हजारों हजारों ऐड है, दो तीन ऐड हम लोगों ने यहां से निकाल के आपको दिखा रहे कि ऐसे ऐसे हजारों हजारों कंपनी है जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रहा बताइए, अपना सामान को बेचना है जैसे तैसे। उसको मतलब नहीं है कि क्या उसका आउटकम है, क्या उसका बेनिफिट है, इससे बच्चे लोगों पर क्या मैसेज आएगा। आप लोग जैसे यंगस्टर लोग क्या सीखेगा कि भाई शाहरुख खान को कोई मानता बोला हम भी पुड़िया खाएंगे, कोई अजय देवगन को मानता बोला हम भी पुड़िया खाएंगे, कोई अक्षय कुमार को मानता बोला हम भी पुड़िया खाएंगे। आप अपना दोस्त को चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रहे, दोस्त नहीं सुन रहा। आप पुड़िया खाइए, आपका दोस्त पुड़िया का गंध सुन सुन के आ जाए। कंपनी तो वही बोलना चाह रहा ना, देखिए खुशबू से उसका मतलब इतना जबरदस्त खुशबू होगा कि चार तल्ला बिल्डिंग से सुन करके आ जाएगा। सीन यही है यहाँ माय डियर स्टूडेंट, कंपनी यही होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग, इन लोगों को मतलब नहीं है कि कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, कस्टमर को क्या चाहिए। इनको बस ये मतलब है कि अपना मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए बस। तो दे जस्ट वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एनी हाउ बाय हुक और क्रूक। तो भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई पूछता है कि मार्केटिंग और सेलिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो भाइयों और बहनों मार्केटिंग और सेलिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मार्केटिंग वाले लोग बोलते हैं कि ना हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम प्रोडक्ट बेचेंगे आपको सेटिस्फाई करके बेचेंगे। और सेलिंग वाला लोग क्या बोलता है बताइए कि नहीं हमको मतलब नहीं है, तुम खुश हो नाराज हो डज नॉट मैटर, हमको बस अपना सामान बेचना है जैसे तैसे। जैसे तैसे का मतलब होता है बस अपना सामान मेरा बिकना चाहिए। अब कस्टमर को सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है मैटर नहीं करता। तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट एक्चुअली, वन इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट, अनदर इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए आपको दिखा रहे सेलिंग कॉन्सेप्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा दूध सी सफेदी, निर्मा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा क्या कंपनी कुछ भी दिखा रहा है। देखिए बस इसका मतलब यही होता है कि आपको बस इसका मतलब यही होता है कि आपको बस सामान बेचना है जैसे तैसे, सामान को बेच देना है। आ कस्टमर देखिए कितना बेवकूफ बना रहा कि अगर हम लोग यही यूज करते बहुत सारा ऐड है। कंपनी क्या दिखा रहा है कि अगर हम लोग निर्मा यूज करते हैं कचरा आएगा ऐसे रुक जाएगा कचरा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। देखिए साफ साफ लग रहा है व्हाट स्टुपिडिटी। लेकिन सीन क्या है, लोग वही चीज खरीदते हैं जो चीज लोग ऐड में देखते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, मार्केट में हजारों हजारों प्रोडक्ट है, लेकिन आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? आप लक्स यूज करते हो, लक्स ब्यूटी सोप, सुंदरता का राज। समझे ना, आप टीवी में देखते हो साबुन, हजारों हजारों साबुन है मार्केट में, लेकिन आपको लक्स पसंद है, आपको डब पसंद है, आपको पियर्स पसंद है। क्यों? क्योंकि मम्मा सॉफ्ट सॉफ्ट टीवी में दिखा रहा ना ऐड, नहीं दिखाता टीवी में ऐड। एक बच्चा आती है तो मम्मा गाल टच करती है, मम्मा सॉफ्ट सॉफ्ट, ये क्या है? यही तो ऐड है। आप कंपनी को बस प्रोडक्ट को बेचना है जैसे तैसे। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दीज यू नो दीज एग्जांपल्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। अब आपको बुक में लेके चलते हैं कि क्या बोलता है। देखिए ध्यान से भाई और बहनों, मार्केटिंग और सेलिंग, तब से आपको सिर्फ चार बात पढ़ाए। पहला, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कितना वर्ड है बताइए?
मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का मतलब सामान को बेचना जैसे तैसे या फिर कस्टमर को खुश करके बेचना, मतलब कस्टमर को खुश करके बेचना। तो जब आप प्रोडक्ट को बेचते हो कस्टमर को खुश करके, इसको हम लोग क्या बोलते बाबू, मार्केटिंग। क्या बोलते बताइए, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है पहले पढ़ते हैं, फिर टॉपिक में आगे लेके चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला है, इट इज अ वाइड टर्म। मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और सेलिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है। देखिए मार्केटिंग में कस्टमर के पास जाना, कस्टमर के नीड को समझना एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। और सेलिंग में क्या बताइए, बस सामान को बेच देना एनी हाउ बाय हुक और क्रूक। उसके देखिए मार्केटिंग वाला लोग अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड। मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना और सेलिंग वाला का क्या होता है, सेलर का को सेटिस्फाई करना। सेलिंग वाला लोग सिर्फ अपने बारे में सोचता है और मार्केटिंग वाला लोग कस्टमर के बारे में सोचता है। आप सिंपल लैंग्वेज समझो ना, जो अपने बारे में सोचता है वो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है सेलिंग वाला लोग, और जो कस्टमर के बारे में सोचता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग लोग वाला लोग बोलता है नहीं, पहले कस्टमर, कस्टमर इन लोग के लिए अल्लाह ईश्वर भगवान की तरह है मार्केटिंग वाला लोग के लिए। लेकिन सेलिंग वाला लोग का दिमाग में क्या है कि प्रोडक्ट को बेचना है जैसे तैसे, कस्टमर को बेवकूफ बना के बेचो। जैसे आपको टीवी बता ना, सॉफ्ट त्वचा के लिए डव लगाए, टीवी में ऐड आता है सॉफ्ट त्वचा के लिए क्या लगाए बताइए, डव। मतलब आपका चेहरा अगर मान ली उबर खबड़ है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, डव। ये क्या है, कंपनी कुछ भी दिखा दे रहा है यार, कुछ भी। अब वो फेयर लवी को तो भूल ही गए होंगे आप लोग, फेयर लवी रहे ना, चार सप्ताह में एक लड़की चुपचाप बैठी रहती है, उदासी में बैठी रहती है। तो उसका बहन आती है, दीदी क्या बोलती है, दीदी लड़की वाले आ रहे, समझे ना। उसके बाद फेयर लवी यूज करता है चार अलग अलग शेड, पहला सप्ताह में फुल काला, दूसरा सप्ताह में थोड़ा गोरा, तीसरा सप्ताह में थोड़ा और गोरा, चौथा सप्ताह में पूरा गोरा। ये क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सामान बेच देना बस, हमको मतलब नहीं कस्टमर खुश हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अगला है प्रीडोमिनेंस। कस्टमर इज द किंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर क्या बाबू, किंग। कस्टमर को क्या चाहिए बोलो यार, क्या चाहिए, जो चाहिए वही तुमको लाके देंगे। तुम एक बार बोल के तो देखो कस्टमर क्या मांग रहा, कस्टमर के पास जाइए। मतलब कस्टमर समझ रहे आपका मोहब्बत की तरह है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वालों के लिए कस्टमर जो है उसका बाबू सोना का तरह है। बाबू सोना नहीं समझते, निपा निपी लोग का लाइफ लाइन पाइपलाइन की तरह है, बात समझ रहे, लेकिन मर जाएंगे तुम्हारे लिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वालों का दिमाग में यही है कि तुमको क्या चाहिए तुम खाली बोलो तो बेटा तुम्हारे लिए वो चीज आके क्रिएट कर देंगे। मार्केटिंग वाला लोग ऐसा होता है, सेलिंग वाला लोग बोलता है कि नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता, बस अपना सामान चिपका के निकल जाना है जैसे तैसे, एनी हाउ सामान बेच के निकलो। देखो प्रोडक्ट इज गिवन द प्रायोरिटी। सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रायोरिटी किस पे होता है, प्रोडक्ट पे। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रायोरिटी किस पे होता है, कस्टमर पे। जितना सुनोगे जितना समझोगे उतना आप बना करके लिख पाओगे। आप इंग्लिश वर्सन हो बंगाली वर्सन हो मैटर नहीं करता है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कोई भी लैंग्वेज में लिख पाइएगा। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद है माय डियर स्टूडेंट कस्टमर, यह देखो प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग वाला लोग बोलता है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, बिना प्रॉफिट का तो बिजनेस नहीं होता। इफ आई से आई डोंट अर्न द प्रॉफिट तो ये गलत होगा। अगर हम ये कहें कि हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए तो गलत है। एवरीबॉडी वॉन्ट्स द प्रॉफिट। लेकिन देखो इंग्लिश में एक लाइन है, प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट ही चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस। तुम हो और तुम ही हो दोनों में फर्क होता है, यू आर एंड यू आर ओनली, देयर इज अ डिफरेंस। आप किसी को बोलते हैं कि तुम हो, मतलब तुम्हारे साथ और चार पांच तो है, ठीक है, और बोलते तुम ही हो मतलब तुम्हारा सिवा और कोई नहीं, तुमसे बात नहीं होगा तो मर जाएंगे पगला हो जाएंगे। ऐसा बात कौन बोलता है, 8-9 का बच्चा लोग, निपा निपी लोग, वो लोग क्या हाथ काट काट के बेटा आ गया, गला फला काट के आ गया, क्या वो लोग का जिंदगी में क्या यही है, बात समझे ना। आप देखोगे जनरली आप लोग की उम्र का बच्चे लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो लोग मेच्योर है, उनको पता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ऊपर से कॉमर्स का स्टूडेंट तो और सियाना हो गया, उसको पता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन जो कम उम्र के बच्चे लोग होते हैं इमैच्योर, तो बेचारा को बुद्धि नहीं है, बस उसको लग रहा कि मोहब्बत ही सब कुछ है, सब कुछ ही मोहब्बत है, तो पगला हो जा रहा प्यार में, बस समझे ना। तो मार्केटिंग वाला लोग ऐसे, मार्केटिंग वाला बोला आई वांट प्रॉफिट बट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और सेलिंग वाला क्या बोला कि आई वांट प्रॉफिट एनी हाउ। सोच के देखिए एटीट्यूड का फर्क है, एग्रेसिव है ये लोग, सेलिंग वाला लोग एग्रेसिव है, एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक यूज करता है। जो आपको इतना सारा एग्जांपल्स जो आपको हम लोगों ने दिया, ये सारा एग्रेसिव टेक्निक, एग्रेसिव टेक्निक मतलब समझ रहे, जैसे तैसे बेच दो, जो तो टेक्निक से बेच दो, विमल का प्रचार कर दो, रिंग देखे दिखा रहा, निर्मा पाउडर जो तो दिखा रहा, सबसे भी तो टीवी में आ जाता है चमकती सफेदी टाइड नहीं देखते हो, एक माँ अपना बच्चा का हाथ पकड़ करके बाजार में जाते रहती है, बाजार में जब जाते रहती है तो अचानक से क्या होता है, गाड़ी आकर के गंदा फेंक देता है तो ऐसे कपड़े में चमकती सफेदी टाइप। तो कंपनी कुछ भी दिखा दे रहा है, कुछ भी दिखा, डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते क्या बाबू माउंटेन ड्यू।
सर कंपनी का क्या करेगा बताए, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है सर्फ एक्सेल। तो कंपनी बोलने का कुछ भी बोल दे रहा, दिखाने का कुछ भी दिखा दे रहा, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एनी हाउ। अपना प्रोडक्ट को बेचना है जैसे ऐसे, बाय हुक और क्रूक, ये लोग ऐसे ही लोग होते हैं। तो प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, बेचना है बस खत्म। टू डेवलप द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर्स नीड, ये लोग कस्टमर के जरूरत के हिसाब से सामान बेचते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए वो बेचते हैं। और सेलिंग वाला लोग क्या करते हैं बताइए, बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। ये लोग कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाते, कस्टमर को अपना तरफ कर लेते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कस्टमर को क्या कर लेते हैं अट्रैक्ट। और भी बहुत सारे मेरे पास वीडियोस था, ये आपको नहीं शो किए, ये एक टीवी है नापतोल चैनल, नापतोल चैनल था, टीवी खोल में नापतोल चैनल था, उसमें दिखाता है तो पतला दुबला लड़का रहता है, एकदम पतला दुबला लड़का रहता है, वो कॉलेज में जाता है ना लड़की लोग उसको रिजेक्ट कर देती है, हाँ तुमसे कौन बात कर रहे हैं, तुमसे कौन बात कर रहे हैं। फिर वो लड़का ना मास गेन खाता है, एक पाउडर का नाम है, एक पाउडर का नाम है, वो पाउडर खा के आता है कॉलेज में, बॉडी बिल्डर बन जाता है। तो पहले फिर लड़की लोग उसको रिजेक्ट कर देती है, वो लड़की लोग जब वो लड़का बाद में कॉलेज जाता है तो लड़की बोलती है वाह मेरे दिल के धड़कन आओ क्या है। एग्रेसिव टेक्निक वाला कंपनी कुछ भी दिखाता था, बिफोर एकदम पतला, आफ्टर एकदम मोटा, बिफोर एकदम नाटा, आफ्टर एकदम लंबा हो गया, ये क्या है, ये क्या है। एग्रेसिव टेक्निक बोलते हैं इसको, एग्रेसिव टेक्निक मतलब आपका माइंड में बैठा देंगे प्रोडक्ट के बारे में और आपको अट्रैक्ट करवा देंगे। समझे ना भाई, देखो जो दिखता है वो बिकता है, ये बात सही है, लेकिन हर चीज जो दिखता है वो सही होता है वो जरूरी नहीं। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। बस ऐसे ही सीन होता है ना, तो सीन तो ऐसे ही होता है, आप लोगों का लाइफ में भी तो ऐसा होता है, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है, सेम चीज होता है। आप अच्छा दिखता कुछ और है वाला एग्जांपल क्यों दिया आपको, जैसे आप लोगों को अगर एनिमल मूवी देखे होंगे, आदमी एडवर्टाइजमेंट देख के गया कि माता पिता का साथ जा रहे, भाई बहन का साथ जा रहे, जाने के बाद रेस्ट्यू नो देखे। तो बात समझे ना, मार्केटिंग और सेलिंग में ही फर्क होता है। मार्केटिंग इसीलिए जो दिखता है पूरा 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 ऑडियंस के माइंड में बैठा होता है कि माता पिता वाला फिल्म है, ऐसा होता मम्मी पापा भाई बहन सबको लेके गया कि उसमें गाना आएगा कि पापा मैं तेरी जान हूं, ये गाना आ गया तो आप भी सोचा कि माँ बाप के लिए मरने मिटेला मूवी है, कम से कम मम्मी पापा ऐसे भी गुस्सा रहते कोई अच्छा मूवी दिखा दे। तो उसके बाद से मम्मी पापा कभी खुशी नहीं हुआ आपसे और नाराज हो गए कैसा मूवी दिखाने लेके आ गया। तो ट्रेलर में कुछ और होता है, पिक्चर कुछ और होता है, इसीलिए जो दिखता है वो बिकता है हमेशा, ये बात सही नहीं होता है उसके। देखिए अच्छा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स, ये लोग मार्केट को लेके चलते हैं, सेलिंग वाले लोग मार्केट को लेके नहीं चलते, ये लोग को बस कस्टमर को बेवकूफ बनाना है जैसे वैसे। और तो अब आप खुद बताओ, आप डिसाइड करो आज के जमाने में कौन सा चीज ज्यादा चलता होगा, मार्केटिंग या सेलिंग। देखिए सेलिंग लोग ट्राई करते हैं लेकिन इफेक्टिव मार्केटिंग, इसको मैं अगर पॉइंट एक पॉइंट और ऐड कर दे, मार्केटिंग सिंपल लैंग्वेज है, मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म, सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म। इंग्लिश में एक लाइन है, मार्केटिंग का एक रूल होता है, यू कैन बी फूल अ कस्टमर ओनली वंस। आप कस्टमर को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन कितना बार, किसी को चीट करना बहुत इजी है, कितना बार बोलिए एक बार, दोबारा यू कांट चीट एनीवन। आप किसी को दोबारा चीट कर सकते हो क्या? और अगर कोई आपके साथ दोबारा चीट करता है तो समझिए आप सच में बेवकूफ है। अगर आपके साथ एक बार चीट किया, अरे बाबू ऐसा नहीं है, फिर दोबारा चीट किया तो आप सच में हिबला है, सच में आप बेवकूफ है। क्यों माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज यू हैव बीन चीटेड अगेन एंड अगेन। तब फिर आपका कॉमर्स पढ़ना बेकार है, मेरा कॉमर्स पढ़ाना बेकार है। कि अगर आपके साथ कोई बार बार चीट कर ले, अगर मान ली कोई आदमी मेरे साथ एक बार चीट किया तो दैट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, बिकॉज कोई भी आपके साथ एक बार चीट कर सकता है, लेकिन एक ही आदमी अगर मेरे साथ दो बार चीट कर रहा तो हम बेवकूफ है, वो सियाना है, इसमें कोई डाउट नहीं, समझ लीजिए ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म है, आप किसी को एक बार बेवकूफ बनाइएगा दूसरा बार वो समझ जाएगा। और अभी क्या बोला, दूसरा बार में अगर नहीं समझा तो दिमाग से क्या है एरला, या फिर वो भाव होता ही इंडिया में हम लोग इमोशनल फूल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, इमोशनल फूल मतलब इमोशनल भी है और बेवकूफ भी है ऐसा आदमी लोग। सेलिंग कॉन्सेप्ट वाला क्या है, शॉर्ट टर्म, आप एक बार बेच लिए बस हो गए। जैसे नापतोल में जो प्रोडक्ट बिकता है ना, वो लोग का पर्पस ही यही है कि आप एक ही बार खरीदिए, दोबारा खरीदने का दरकार भी नहीं। बस समझे ना, सेलिंग कॉन्सेप्ट वाला लोग शॉर्ट टर्म होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाला लोग लॉन्ग टर्म। तो ये सारा पॉइंट हम आपसे शॉर्ट में पूछते बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है हम आपसे पूछ रहे, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कस्टमर पे फोकस करता है, मार्केटिंग जो सेलर पे फोकस करता है, जहां पर कस्टमर को खुश करते हैं, जहां कस्टमर को से हमको मतलब नहीं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो लॉन्ग टर्म है, जो शॉर्ट टर्म है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट जहां प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन कस्टमर को खुश करें, और जहां प्रॉफिट कमाएंगे जैसे तैसे, यस और नो। चलिए ये था मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। अब आते हैं डेफिनेशन वाला पार्ट में। देखिए मार्केटिंग में एक पहला शब्द है, व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन आप किसी भी
व्यक्ति से, किसी भी इंसान से पूछोगा मार्केट क्या है, तो क्या बोलेगा? मार्केट वो जगह है, मार्केट वो जहां पे मिलन होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? किसका? बायर और सेलर का। और मिल करके क्या करते हैं? डील नहीं, बिजनेस। अच्छा डील बोले आप, हमको दिल सुनाई दे। तो मार्केट एक जगह है, मार्केट एक जहां पर होता है मिलन, किसका? बायर और सेलर। और मिल करके क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन सामान खरीदते बेचते, खरीदते बेचते, खरीदते बेचते। बट ये डेफिनेशन ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, ये पुराना कोई भी बुक खोलोगे आपको दिख जाएगा। अब ये डेफिनेशन नहीं चलता है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं मार्केट इज द प्लेस, तो ये डेफिनेशन रॉन्ग। क्यों? इन नाउअडेज मार्केट नीड नॉट नेसेसरली बी द प्लेस। आज के जमाने में मार्केट के लिए प्लेस होना जरूरी नहीं है। फ्लिपकार्ट को देखो ना, किसको देखो? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में कहां प्लेस है बताइए? वेयर फ्रॉम यू आर बाइंग यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं कौन प्रोडक्ट बेच रहा, कहां से प्रोडक्ट बेच रहा, प्लेस का कोई दरकार है क्या? आप कहीं भी हो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो ना, जोमैटो, स्विगी, ये सब क्या है? ये सब के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस का जरूरत है क्या? नहीं है। तो पहले जमाने में क्या होता था? मार्केट मतलब जगह। बट आज के जमाने में हो गया मार्केट मीन्स अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड सेलर, दैट में बी फिजिकल और दैट में बी डिजिटल। आज के जमाने में मार्केट क्या है? तो मार्केट एक रिलेशनशिप का नाम है। रिलेशनशिप के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता होगा? तो मार्केट एक किसके किसका नाम है बताइए? रिलेशनशिप। यहां पर बिजनेस रिलेशन का बात हो रहा है, गलत मत सोचिए। तो मार्केट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। अब वो चाहे फिजिकल हो, आप कोई प्लेस पे जाकर के मिल रहे हो, वो भी मार्केट है। आप डिजिटली सामान खरीद रहे हो, वो भी मार्केट। और आपको तो पता होगा माय डियर स्टूडेंट, आज के जमाने में फिजिकल मार्केटिंग से ज्यादा तो डिजिटल मार्केटिंग चलता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग कितना पावरफुल हो गया बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या है बोलो ना। देखो क्या है, मार्केट में बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टूगेदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मार्केटिंग मीन्स टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, जो आपको पढ़ा है। In nowadays market means the social relationship between buyer and seller. जब non NCQ का एग्जाम आप देते हो ना, तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इसीलिए आंसर को थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मींस मैनेजमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटी, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे। और मार्केटिंग का पापा कौन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, उनके जो फादर है उनका नाम है फिलिप कॉटलर। क्या नाम है बोलो? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? बोलो ना, कम ऑन। यस, तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? फिलिप कॉटलर। दिलीप कॉटलर की फिलिप कॉटलर? हाँ, तो इंडियन वर्जन में कन्वर्ट मत कर दीजिए, दैट इज फिलिप कॉटलर। फिलिप, तो देखिए हम आपसे पूछ रहे, बताओ जल्दी से मार्केट मतलब क्या? मार्केट नॉर्मली एक प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं और मिलकर के क्या करते हैं? बायर और सेलर मिलते हैं, मिलकर के क्या करते हैं? लेकिन आज के जमाने में मार्केट के लिए जगह होना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? तो मार्केट मतलब आज के जमाने में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। अब एक बार रीडिंग मान लो कि चक्कर याद आएगा, खाली समझिए ध्यान से। अब आते हैं नीचे, तीन वर्ड बार बार आपको मिलेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो तीन वर्ड बाबू आपको बार बार मिलेगा। तो तीन वर्ड क्या क्या है? नीड, वांट, डिमांड। मोस्ट ऑफन यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स आपको बार बार इस पूरे सिलेबस में मिलेंगे। कौन कौन से वर्ड बताइए? नीड, वांट, डिमांड। पूरा मार्केटिंग इसमें भरा हुआ है। नीड मतलब क्या? नीड का मतलब होता है जो हमको चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो पगला हो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। जो हमको चाहिए ही चाहिए। हम आप लोग से पूछते हैं, आप लोग ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ, ऑफलाइन वाले क्लास में बताओ कि बताइए वो कौन सा चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मर जाइएगा, पगला हो जाएगा, बताइए। बोलो बोलो बोलो, अपना अपना ऑप्शन दो, बोलो ना, सब आ रहा आवाज, सब रिकॉर्ड आ रहा, बोलो। कोई बोल रहा पैसा, कोई देखो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक नीड्स। नीड्स मतलब होता है हर वो चीज जो चाहिए। ना जाने आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, बट यहाँ पर नीड का मतलब क्या होता है बताइए? यहाँ पर नीड, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या क्या सोच लिए होंगे, पर यहाँ पर नीड का मतलब होता है जो चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, पगले हो जाएंगे। नीड यही, नीड रेफर्स टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ विच आर नीडेड फॉर द सर्वाइवल। जिंदगी जीने के लिए जो जो चीज चाहिए उसको क्या बोलेंगे बाबू? नीड। रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा, एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, ये सब एजुकेशन, ये सारा चीज बेसिक नीड्स। बात समझे ना, सारा चीज जरूरी है। आपकी जिंदगी में अंधकार तभी होता है ना जब आपके पास एजुकेशन नहीं होता है। तो इग्नोरेंस इज द डार्कनेस। तो एजुकेशन भी आज के डेट में देखो, हम लोग आप लोग क्या, आप सेकंड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो आप लोग हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हेडेक की तरह आपके लिए पढ़ाई हो जाता है। लेकिन आप सोचो, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री
who are illiterate and they are striving to study, उन लोग पढ़ने के लिए सोच रहे हैं लेकिन उनके पास शिक्षा नहीं. तो we all are fortunate. हम लोग सारे लोग fortunate है कि आपके पास education है. बात समझे? आप illiterate नहीं. बात समझे ना? तो यहां पर भी वही चीज बोला गया. आप पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख रहे हो तो आप बहुत लकी हो. ऊपर वाला को थैंक यू बोल दीजिएगा क्योंकि आपके पास शिक्षा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, हवा है, दवा है. आप लोग, हम लोग में जितने लोग यहां बैठे हैं, हम लोग, आप लोग कोई गरीब नहीं. सर नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, गरीब तो हम है. देखिए गरीबी क्या है? गरीबी एक माइंड का थॉट प्रोसेस होता है. गरीब वो होता है जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए घर. हम लोग, आप लोग के पास ये तीनों चीज है. खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है, मतलब आप गरीब नहीं. अब आप लोग नहीं रहे, खाने के लिए खाना तो है बट रोज बिरयानी नहीं मिल रहा. अगर रहने के लिए घर तो है बट मेरे पास बंगलो नहीं है. पास पहनने के लिए कपड़ा तो है बट लग्जरी ड्रेसेस नहीं है, महंगा महंगा कपड़ा नहीं है, कॉस्टली ड्रेसेस नहीं है. माय डियर स्टूडेंट, ये तो आउटकम है, तो माइंड का सोच होता है. बट अगर आपके पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर है, यू आर नॉट पुअर. तो नीड मतलब ये सब चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा, ये सब क्या बाबू? नीड. अब आते हैं वॉन्ट. वॉन्ट क्या होता है? वॉन्ट रेफर्स टू द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए बस, ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नेक्स्ट. ये होता है वॉन्ट. जैसे एग्जांपल दे, कोचिंग के हिसाब से समझिए, जैसे हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए ये बोर्ड क्या है? नीड है. हमको ये बोर्ड चाहिए, बिना बोर्ड के हम पढ़ाएंगे कैसे? तो हमारे लिए बोर्ड क्या हो गया बताइए? नीड हो गया. क्या हो गया बाबू? नीड. अच्छा, वॉन्ट मतलब क्या होता है? वॉन्ट मतलब एडिशनल रिक्वायरमेंट्स. एडिशनल क्या बाबू? रिक्वायरमेंट्स. जो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके, फाइन. जैसे आपको गर्मी का टाइम है तो पंखा चाहिए. अब एसी पंखा चाहिए क्योंकि गर्मी है भाई, पंखा चाहिए, पंखा नीड हो गया. लेकिन एसी, एसी रहा तो अच्छा. सबके घर में एसी है जरूरी तो नहीं, सबके घर में एसी है जरूरी तो नहीं है, लेकिन पंखा तो सबके घर में, क्योंकि गर्मी के टाइम है तो बिना पंखा का कैसे होगा. तो एसी क्या हो गया? वॉन्ट हो गया. वॉन्ट मतलब एडिशनल रिक्वायरमेंट्स. नीड मतलब चाहिए ही चाहिए. वॉन्ट रेफर्स टू द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. अब ट्यूशन में क्लास करने के लिए प्लास्टिक का चेयर पर बैठे हो, ये आपका नीड है कि बैठने के लिए जगह चाहिए. अब आपको बैठने के लिए सोफा मिलेगा तो क्या हो गया? वॉन्ट. आप ट्यूशन में, आपको चारों तरफ सोफा लगा दिया, आप कंफर्ट में बैठे हो, तकिया पकिया लेके बैठे, देखे बेटा सो गए, पढ़ाई करते करते सो गए. नीड मतलब जो चाहिए ही चाहिए. क्लास में आए तो यू जस्ट नीड अ प्लेस टू सीट. आपको एक जगह चाहिए बैठने के लिए, बस ये हो गया नीड. लेकिन उसके साथ अगर आपको सोफा मिल गया तो वॉन्ट. क्या हो गया वो? वॉन्ट. आप घर गए, ट्यूशन से घर गए, मम्मी को बोले मम्मी आई वॉन्ट, आई नीड ड्रिंक. इंग्लिश सुनिए, आई नीड ड्रिंक बट आई वॉन्ट कोल्ड ड्रिंक. नीड ड्रिंक बट आई वॉन्ट कोल्ड ड्रिंक. पीना है क्या? पानी. क्या बाबू? पानी, कोल्ड ड्रिंक. तो ये क्या हो गया? आपका नीड क्या है? कुछ ना कुछ पीना है आपको, और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा. तो वॉन्ट बताता है कहीं ना कहीं आपका प्रिफरेंस. वॉन्ट बताता है आपका एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, और नीड मतलब हर वो चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए. और लास्ट है डिमांड. इकोनॉमिक्स में भी यह बोला गया है कि डिमांड कोई भी चीज तभी होता है जब आपके पास परचेजिंग पावर है. यू नो, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं अपना लाइफ में. ट्यूशन आ रहे थे, आपने रास्ते में एक BMW कार देखा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कार मेरा होता. पॉकेट में चेक के 20 रुपया, कितना रुपया? 20 रुपया. ये क्या है? डिजायर तो है, पर क्या है? डिमांड है. तो ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड. हर डिजायर डिमांड होता है क्या बाबू? हर डिजायर डिमांड नहीं होता. चाहते बहुत कुछ है हम लोग, हर चीज हम लोग को मिल जाता है क्या? और आप लोग उम्र में तो आदमी बहुत कुछ ही चाहता है लाइफ में. सुबह से लेकर शाम तक ये हमको मिलता है, ये हमको मिलता है, ये हमको मिलता है, ये हमको मिलता है. ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड अनलेस और अंटिल यू हैव परचेजिंग पावर. कोई भी डिजायर डिमांड नहीं होता है अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो. क्लियर है गाइस? तो ये था पूरा टॉपिक आज का. हम आपसे शॉर्ट में समराइज करते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे अपना अपना घर. जल्दी बताइए, मार्केटिंग मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना? बोलो ना, जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलिए. मार्केटिंग और मार्केटिंग और मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट करना. किसका मैनेजमेंट? मार्केटिंग. मार्केटिंग का किसका बाबू? मार्केटिंग. अच्छा, मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को जैसे तैसे बेचना ना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना. अच्छा, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग तो क्या बोलोगे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अच्छा, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? फिलिप कॉटलर. वेरी गुड. अच्छा बताइए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो शॉर्ट टर्म है, जो लॉन्ग टर्म है? वो कौन सा कॉन्सेप्ट जहां प्रॉफिट कमाना है जैसे तैसे, जहां कस्टमर को खुश करना है? अच्छा बताइए, हर वो चीज जो हमको चाहिए ही चाहिए वो मेरा क्या है? नीड्स. हर वो चीज जो हमको चाहिए, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, वॉन्ट्स. और कोई चीज चाहिए और आपके पास पैसा भी है खरीदने का, तो वो क्या बन जाएगा? डिमांड. तो ये था पहला क्लास. थैंक यू सो मच. डी.
अगला क्लास है, आपको बहुत बच्चे ग्रुप में ऐड हो गए, कुछ बच्चे ऐड नहीं हुए इसलिए आपको बता दे रहे, अगला क्लास ट्यूजडे 10 बजे, ठीक है बाबू। ग्रुप आप लोग हाई लिख के भेज देना, ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। अगला क्लास ट्यूजडे 10 बजे आईटी, अभी हर सब्जेक्ट का पहला क्लास हो रहा है। ट्यूजडे 10 बजे, मंडे क्लास नहीं, ट्यूजडे रूटीन, ट्यूजडे 10 बजे आईटी रूटीन, अभी फिक्स करेंगे, रूटीन फिक्स नहीं किए। नेक्स्ट क्लास ट्यूजडे 10 बजे, ग्रुप में मैसेज करें, लिख के भेज देना बाबू, ठीक है, हाई लिख के।